दुनिया में सियासी इख्तलाफात कहां नहीं होते, सियासी इख्तलाफात दुनिया के हर खिते में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हमारे मुल्क में भी है, लेकिन उन इख्तलाफात को दुश्मनों में तब्दील कर देना, अदालत में तब्दील कर देना, एक दूसरे के खून का प्यादा हो जाना, याद रखो ये सियासी इख्तलाफात कुफ्र इस्लाम को मारने का नहीं है। क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था हम एक दूसरे के गले काटे, इसलिए बना था कि एक दूसरे के लिए नफरत के बीज बोए, खुदा के लिए हम होश में आए, इख्तलाफ को इख्तलाफ के हक में रखे, आपको चाहे आपका दोस्तिया की नजरिया हो, लेकिन एक दूसरे का गलत काटना, एक दूसरे के ऊपर हमला आवर होना, एक दूसरे को झूठ, एक दूसरे के ऊपर झूठे जमा कराना और मिल्लत को उम्मत को तकसीम करना कि ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी है और ये मुसलमान एक गर्म सुन है, ये यहाँ से ये बातें है, खुदा के लिए होश का ना भूले, एतदाल को, संजीदगी को, मतानत को, समझबूझ को तैयार करें और जज्बातीयत को का खात्मा करें, ठंडे दिलों से माफ से सोचें, ठंडे दिलों से माफ से फैसले करें, लेकिन लड़ाइयां एक दूसरे पर हमले, एक दूसरे के ऊपर दुष्नाम फैलाते गाली करो, ये न किसी मुसलमान के सेवा होता है न किसी शरीफ इंसान के सेवा हो, अगर हमने अपना यह रवैया न बदला तो फिर याद रखो कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के जन्नत से हमें पाकिस्तान का फरमाया खतरा है कि कहीं हमसे यह नमत छीन जाए, आज कुछ हम गवा रहे थे इसी जज्बातियत की वजह से, इसी काली कलाम की वजह से आज अपनी हमने गवा दिया, अब आधा आधा रह गया है, खुदा के लिए इसकी तो इबादत कर लो, जो बात जबान से निकालो वो तुम्हारी थोड़ा आगे की सच्ची हो जाए, दूसरों पर इल्जाम कराची से पहले सोच लो कि क्या तुम अल्लाह के पास जाकर इस इल्जाम को साबित कर सकोगे, अगर नहीं साबित कर सकोगे जहन्नम के अंगारे तुम्हारा बदल है, तो जबान को काबू में लाओ, अपनी सोच को काबू में लाओ, अपनी फिक्र को काबू में लाओ, एतदाल पैदा करो, संजीदगी पैदा करो, एक दूसरे की बात ठंडे दिल से समझने का हक अदा करो, आपके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूं जो खुदा के लिए इन नफरतों के बीजों को खत्म करो, इश्तियार दफ करो, अल्लाह ताला से रुजू करो, अल्लाह ताला से मांगो या अल्लाह हमें अपने इस मुल्क को महफूज रखने के लिए जो तरीका हमें इख्तियार करना चाहिए है अल्लाह अपने फजल करम से उसकी तौफीक अदा करना, और जो रास्ते तबाही की तरफ जा रहे, बर्बादी की तरफ जा रहे, अल्लाह हमसे महरूम से महफूज करना।